नमस्कार, मैं रजनी ते आओ नजर मारन ने हुण तक दी खास खबरां ते। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी अज नवी दिल्ली विच बैठक शुरू ते इस मीटिंग विच पार्टी प्रधान की चोण एजेंडे विच सब तो उपर है। एजेंसी खबरों विच कहा गया है कि मीटिंग शुरू होने ते कार्यकारिणी ने राहुल गांधी नूं एक बार फिर पार्टी प्रधान का अहुदा छड्डन बारे अपने फैसले ते मुड़ विचार करन दी अपील की है। कार्यकारिणी ने एकमत दे नाल राहुल गांधी नूं इस अहुदे दे लई बेहतरीन दस्या ते पार्टी की अगवाई करदे रहण दी अपील की है, पर राहुल गांधी ने अपने फैसले ते मुड़ विचार करन तों ना कर दित्ती। इस तों बाद राहुल गांधी अते सोनिया गांधी ने अपने आप नूं नवां प्रधान चुनण दे अमल तो लांबे कर लिया, जिस मगरों कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पछमी पंच खेत्रां नूं वख-वख ग्रुपां विच वंड के चर्चा शुरू कर दी। पार्टी के बुलारे रणदीप सुरजेवाला ने दसिया कि इस चर्चा तो बाद कार्यकारिणी मुड़ मीटिंग करेगी, जिस दौरान इन्हां खेतरी ग्रुपां दी रिपोर्ट्स ते चर्चा होगी। उन्होंने दसिया कि अज सवेरे मीटिंग विच कार्यकारिणी की इहो भावना सी कि कांग्रेस लीडरशिप का यह मुद्दा जिन्नी छेती हो सके सुलझा लिया जाना चाहिदा है, जिस करके कार्यकारिणी अज शाम इस मुद्दे ते फैसले दे लई मुड़ बैठेगी। पिछे जिहे समाजवादी पार्टी दे जिन्हां दो राज्यसभा मैंबरां ने अस्तीफा दे दिता सी, अज भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो गए। नवीं दिल्ली विच भारतीय जनता पार्टी दे जनरल सकत्तर भुपिंदर यादव ते मीडिया हैड अनिल बलूनी की मौजूदगी विच सुरेंद्र सिंह नागर ते संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी विच शामिल होए। सुरेंद्र सिंह नागर दो बार संसद मैंबर रह चुके ने, जबकि संजय सेठ उत्तर प्रदेश दे नाल संबंध रखते ने ते समाजवादी पार्टी दे खजानची रहे ने। इन्हां दोवें ही राज्यसभा मैंबरां ने मोदी सरकार दे जम्मू कश्मीर विचों धारा 370 खत्म कीते जाण दे फैसले का समर्थन करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शलाघा की थी। समझा जा रहा है कि भाजपा विच शामिल होने वाले इन्हां दोवां नेतावां नूं भाजपा राज्यसभा दे लई इन्हां वल्लों ही खाली कीतियां सीटां ते उम्मीदवार बना सकदी है ते उत्तर प्रदेश विधानसभा विच भारतीय जनता पार्टी दे कोल वड्डा बहुमत होण कारण उन्हां दी जित यकीनी है। भारतीय जनता पार्टी ने हुण तक कांग्रेस, तेलगू देसम ते समाजवादी पार्टी के कई मैंबरां नूं अपने पाले विच लिआउण च सफलता हासिल की। जम्मू कश्मीर विच हालात आम वर्गे हो गए ने ते कश्मीर घाटी विच करड़े सुरक्षा प्रबंधा हेठ कल श्रीनगर समेत घाटी दियां कई थावां ते मस्जिदां विच जुम्मे दी नमाज अदा की गई। राजपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर शहर के वख-वख इलाकियां दा दौरा करके लोगों के नाल मुलाकात की ते उन्हां हस्पतालां दा भी दौरा किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सूबे विच स्थिति हुण आम वर्गी हुंदी जा रही है ते नागरिकां नूं बुनियादी सहूलतां देण वास्ते कोई कसर नहीं छड्डी जाएगी। डिप्टी कमिश्नरां नूं पहलां ही निर्देश जारी किए जा चुके ने कि उह लोगों नूं मिलन ते उन्हां दीआं मुश्किलां दी जानकारी हासिल करके उन्हां नूं फौरी तौर ते दूर करन दा यतन करन। उधर जम्मू खेत्र विच भी स्थिति हुण लगभग आम वर्गी हो गई है ते दफा 144 तहत लगाईयां पाबंदियां हटा लीआं गईआं ने ते स्कूल ते वपारक अदारे आम वांग खुले ने ते सड़कां ते रौनक परत आई है। नैशनल कॉन्फ्रेंस ने अज सुप्रीम कोर्ट विच जम्मू कश्मीर दे संवैधानिक रुतबे विच तब्दीली कीते जाण दे फैसले नूं चुनौती दित्ती है ते नैशनल कॉन्फ्रेंस दे मुहम्मद अकबर लोन ते रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट विच दायर अपनी पटीशन च कहा कि संसद वल्लों इस संबंधी पास कीते गए कानून ते राष्ट्रपति वल्लों जारी कीते गए हुक्म गैर संवैधानिक ने ते इन्हां नूं खत्म करन बारे ऐलान कीता जावे। दोवें ही पटीशनकर्ता नैशनल कॉन्फ्रेंस दे लोक सभा मैंबर ने ते उन्हां ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 नूं चुनौती दित्ती है। पटीशन विच कहा गया है कि जम्मू कश्मीर बारे नवे कानून संविधान की धारा 14 के की तहत जम्मू ते कश्मीर दे लोकां दे मूल अधिकारां दी उलंघना करदे ने। जिक्रयोग है कि पटीशनकर्ता मुहम्मद अकबर लोन जम्मू कश्मीर विधानसभा दे साबका स्पीकर भी ने, जबकि हसनैन मसूदी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट दे सेवा मुक्त जज ने, जिन्हां अपने कार्यकाल दौरान 2015 विच फैसला सुनाया सी कि जम्मू कश्मीर विच धारा 370 संविधान दा स्थाई हिस्सा है। रूस ने जम्मू कश्मीर के विशेष रुतबे नूं भारत सरकार वल्लों समाप्त किए जाने के फैसले का समर्थन किया है। रूस के विदेश विभाग के बुलारे ने मास्को विच कहा है कि जम्मू कश्मीर के रुतबे विच तब्दीली करना भारतीय संविधान के दायरे विच आउंदा है। रूस ने आस जाहिर की है कि भारत की पाकिस्तान विचाले मतभेद आपसी गलबात राही शिमला समझौते ते लाहौर ऐलाननामे तहत ही हल कर ले जाएंगे। भारत ते पाकिस्तान के चंगे आपसी संबंधों का हमेशा ही पक्ष पूरन वाले रूस ने कहा कि उसनूं उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर बारे भारत सरकार वल्लों किए गए फैसलों बाद हुण खेतर विच स्थिति नूं होर खराब नहीं होण दिता जावेगा। पाकिस्तान विच अज सवेरे भूचाल दे झटके महसूस किए गए ते पाकिस्तान दे कौमी भूचाल निगरानी सेंटर अनुसार पाकिस्तान दे उत्तर पछमी सरहदी खेतर विच अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा भूचाल दा मुख केंद्र सी।
ਰਿਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਤੇ 5.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:43 ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।